हालात अरब के हैं या जो हालात पाकिस्तान के हैं उसके लिहाज से देखा जाए तो इस तरह से इसराइल जो है फिलिस्तीन में मार रहा है, तो यहाँ भी बाहर फसादात हुए, लेकिन हम तो समझते हैं कि मुसलमान यहाँ महफूज हैं और यहाँ से कोई डर की बात नहीं है। लेकिन देखिए बाहर कुछ वाक़ ऐसे हुए, लेकिन देखिए ये कहना कि अब यहाँ हमें बिल्कुल हिफाजत नहीं हो रही है, हम यहाँ से निकल जाए हिंदुस्तान से, ऐसी कोई बात यहाँ पर ऐसी नहीं। नसरुद्दीन शाह के इस बयान को क्या लेते हैं, क्या सियासी? हमने कुछ ज्यादा कह दिया है, ज्यादा है ज्यादती होती है, बहुत जो ज्यादती हुई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम कह दें कि हम यहाँ से चले जाएं या छोड़ दें हिंदुस्तान, हमें हिंदुस्तानी में रहना है और हिंदुस्तान में हमें। जब 2019 आ रहा है, खासतौर पर शिया उलमाओं का ये कहना है कि जो सरकारें हैं वो मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, और अहले सुन्नत में जो मौलाना है वो भी कह रहे हैं, ये जो भाजपा की सरकार, आपका क्या स्टैंड होगा कि खासतौर पर शिया लोगों से क्या है? शिया लोगों के लिए तो कोई सरकार बेहतर नहीं रही, सपा ने जुल्म किया, तो किसी ने नहीं किया, कांग्रेस ने जुल्म किया, सबने जुल्म किया। तो हम ये देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन फायदा पहुंचा रहा है, हम ये देखते हैं कौन नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।